हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 20 जान का थर्सडे के दिन, जो कि एक वीकली एक्सपायरी है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। और जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तरह तरह के एजुकेशन पर्पज़ में वहाँ पर चार्ट्स वगैरह आप वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। अगर वहाँ पर कोई भी आपको ट्रेड लेना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं जो पोस्ट करता हूँ वो एजुकेशन पर्पज़ आपके लिए पोस्ट करता हूँ। चलिए, निफ्टी ने जो क्लोजिंग देख एक वीकनेस क्लोजिंग, मतलब एक अच्छा सा सेल ऑफ देखने को मिला है। 17,938 के ऊपर क्लोजिंग दी, डिक्लाइंस में 35 देखने को मिल रहा है, एडवांस में 15 देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और निफ्टी का एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे कहाँ पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही एरिया। निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पे ओपन किया जो कि 20 जान का कल का एक्सपायरी है, और निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी 17,900, तो 17,900 के ऊपर के लेवल के ऊपर चलते। अगर यहाँ पे देखें तो 17,900 के लेवल के ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस देखें तो 18,000 का क्रूशल लेवल है। यहाँ पे देखिए 18,000 का क्रूशल है, वहाँ पे 1,24,000 कॉल राइटिंग है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट होल्डर लेवल 18,000 का रहेगा। नीचे की तरफ अगर ऐसी वैसे पुट राइटिंग अगर देखें तो 27,900 के लेवल पे, 21,800 के लेवल पे, तो नीचे की तरफ ऐसा कोई मेरा कोई सपोर्ट अच्छा सा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर से फिलहाल के लिए 70,900 लेवल एक होल्ड कर रखा हुआ है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे। कल अगर यहाँ पे 18,000 के ऊपर सस्टेन करता है तभी एक वीकनेस मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर 50 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए तभी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। और फिर से वहाँ पे से एक सेल ऑफ आ सकता है जो कि नीचे के यहाँ पे फिर से 17,900 के लेवल तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे कल एक वॉलेटाइल एक्सपायरी देखने को मिल सकता है, नजर बना रखे बोथ साइड, यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए आपको लेवल्स बताते हैं, चलिए चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, डेली चार्ट अगर देखें तो निफ्टी का एक रेड कैंडल बना है, कल भी एक रेड कैंडल बना, आज भी एक रेड कैंडल बना। आज देखें तो FIDS का डाटा भी देखेंगे, बाद में मैं आपके टेलीग्राम चैनल, मेरा जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा FIS ने कितना सेल किया, DIS ने कितना सेल किया, तो उसकी वजह से पता चलेगा क्या सेल ऑफ किस किस ने किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं आपको एक वीकली यहाँ पे देखो तो वीकली का जो कैंडल्स है उसका जो लो है, क्या लो है उसका 17,879। कल अगर इस लो को निकालता है नीचे की तरफ तो फिर से एक सेल ऑफ आ सकता है यहाँ पे, नज़र बना के, लेकिन आज उसी लो को उसने प्रोटेक्ट किया और यहाँ पे ऊपर की तरफ का क्लोजिंग दिया है। डेली के कैंडलस्टिक में रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। चलिए भी 15 मिनट के कैंडलस्टिक में आपको दिखा दो कल के लिए इंट्राडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेरे आपसे पिछला बार जो यहाँ पे जो गैप था वो गैप फिल कर दिया और एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है निफ्टी में। चलो निफ्टी के लिए अभी मेरे हिसाब से अगर देखें तो पिछले नीचे का भी एक गैप फिल पेंडिंग है, जो कि वो गैप का लेवल आ रहा है 17,800। तो 17,800 नीचे की तरफ आता है तो एक सपोर्ट के लिए वर्क करेगा, लेकिन यहाँ से अगर कोई डिप मिलता है तो एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा डब्ल्यू पैटर्न बनता है कि नहीं 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे, तभी एक बाइंग का साइड का मोमेंटम ले सकते। ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस, मेरे हिसाब से अगर क्रूशल लेवल देखें तो 18,000 का साइकोलॉजी लेवल है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो 18,050 या 60-70 का लेवल रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा। अभी क्या है, अब एक बड़ा सेल ऑफ आया है तो यहाँ पे अगर जाए जब भी ऊपर की तरफ जाएगा कि रेजिस्टेंस फेस करेगा जो कि 18,000 का लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करता है कोई रेंज बनाता है उस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तभी एक बाइंग साइड में जा सकते हैं। अदरवाइज इस रेजिस्टेंस के यहाँ पे कोई अच्छा सा रिजेक्शन वगैरह मिलता है, कोई एम पैटर्न रिजेक्शन मिलता है तो एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी रह सकता है। तो कल इसी रेंज में मार्केट घूम सकता है जो कि 18,100 और 18,000 के बीच में यहाँ पे ट्रेड करता हो देखने को मिल सकता है। कल के लिए रेंज में आपको बता रहा हूँ, इन लेवल के साथ ट्रेड करके ट्रेडिशन में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन देखे तो बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दे 38,000 के ऊपर नीचे की तरफ गया, 800 के नीचे भी गया और 38,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी। देखे तो 38,000 के लेवल पे अगर देखे तो अच्छा सा कॉल राइटिंग है, देख सकते हैं 49,000 कॉल राइटिंग है। कल अगर इसके ऊपर सफ्टिंग करता रहे, कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग होती है तो एक बड़ा मोमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है जो कि उसको लेके जाएगा 38,300 के लिए। लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट अगर देखे तो मेरे हिसाब से 38,800 का सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, तो आज ही उसने डिफेंड किया 37,800, इसको ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली 37,500 के लेवल देखने को मिल सकते। चलिए अभी डेली कैंडलस्टिक में देखते हैं बैंक निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है।
चलिए डेली कैंडलस्टिक में यहाँ पे देखें तो इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देता हूँ। और अगर यहाँ पे कैंडल देखें तो एक वोलेटाइल कैंडल है, डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना है। यहाँ पे सेलर्स तो एक्टिव है लेकिन यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में जो एक दो दिन से देख रहे हैं मूवमेंट हो रहा है, जो 500-700 पॉइंट का बड़ा बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ यहाँ पे देखें तो 37,783 का जो सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट किया। उसके बाद में नीचे की तरफ चलिए एक बार वीकली भी आपको दिखाता हूँ, तो वीकली का जो लो है उसको भी ब्रेक करके नीचे, लेकिन इसके अंदर ही क्लोज दिया है। अगर 37,933 के नीचे निकलता है तो फिर से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। चलिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कल के लिए क्या रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो कल के लिए एक ट्रेंड लाइन बन चुका है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, एक ट्रेंड लाइन बन चुका है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा 38,100 के अबाउट, एक फ्रेश बाय कर सकते हैं। और से आपके लिए बाय के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आपको सेल करना है तो मेरे हिसाब से 37,933 के नीचे अगर निकलता है तभी एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है। इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने मिल सकता है। ऊपर की तरफ 38,100 के अबाव सब स्टेबल होता है, इस लेवल के 38,100 के अबाव यहाँ पे स्टेबल होता है तभी एक मोमेंटम ऊपर की तरफ बन सकता है। अदरवाइज यहाँ इस लेवल के नीचे आता है तो एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो कल मार्केट वोलेटाइल रहेगा, वीकली एक्सपायर है तो नज़र बना के रखें। एक अच्छा सा ट्रेड कल के सेकेंड हाफ में भी मिल सकता है, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कौन से लेवल को रिस्पेक्ट करता है। जिस तरह से मैंने आपको लेवल बताया उस लेवल के साथ आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हेवीवेट स्टॉक्स के बारे में देखें, रिलायंस देखें तो रिलायंस में यहाँ पे ज़्यादा कोई सेलिंग का प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा है। एच डी एफ सी बैंक के लिए सपोर्ट है 1512 का, इस सपोर्ट को देखते किस तरह से डिफेंड वगैरह करता है। इन्फोसिस में अच्छा सा सेलिंग देखने को मिला, एचडीएफसी में अच्छा सा सेलिंग देखने को मिला। जैसे मैंने कहा था कि इनसाइड कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया और एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला एचडीएफसी। आईसीआईसी बैंक में भी थोड़ा सेलिंग है। टीसीएस में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सपोर्ट था उसके नीचे आके क्लोजिंग दिया। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे भी सेलिंग है। एचयूएल अगर देखे थे बड़े बड़े जो स्टॉक्स है भी उनमें अच्छा सा सेलिंग देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक, लेकिन एक्सिस बैंक अगर देखे तो बहुत सब जगह एक्सिस बैंक की चर्चे हो रहा है। तो इसके अर्निंग्स आए थे और एक अच्छा सा यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। जब एक्सिस बैंक में सेल ऑफ आएगा तो और फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी को प्रेशर देखने को मिल सकता है। एलएनटी यहाँ पे एक बाइंग का प्रेशर देखने को मिला, लेकिन कौन से लेवल से बाइंग का प्रेशर मिला तो देखिए तो ये भी जो पहला रेजिस्टेंस था अभी एक सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इस लेन को। SBI देखे तो SBI में अच्छा सा बढ़त देखने को मिला, तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी को संभलता देखने को मिला। बैंक निफ्टी ज़्यादातर गिरा नहीं। इंडसइंड बैंक भी देखे तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल कैंडल बनाए। तो चलिए कल के लिए आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताते हैं, हेवीटेक स्टॉक्स में क्या चल रहा है वो बता दिया। तो इन लेवल के साथ कल के ट्रेड सेशन आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर कुछ इंट्राडे में कुछ दिक्कत आए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे ज्वाइन हुए, तरह तरह की मैं चार्ट्स वगैरह इंट्राडे के अपडेट्स वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, क्या पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, क्या कंडीशन बन रहा है, तो मैं वहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ।